ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं यासिर जावेद, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ मार्को क्वेस्ट। गाइस, आज एक डॉग शो कवर करने जा रहा हूं, लेकिन आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये कौन सा कुत्ता है और ये क्या खाता है और ये कितने का है। आज हम डॉग ओनर से जो है कुछ सवालात पूछेंगे। वो सवालात ऐसे होंगे कि अगर आप अपना डॉग लेना चाह रहे हैं या फर्स्ट पेट रखना चाह रहे हैं, तो उसमें वो सवाल सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा और वो सवाल आपको हेल्प करेंगे आपका डिसीजन लेने में। तो देखिएगा इस वीडियो को। अगर आपने कुत्ता नहीं पहचाना तो मैं आपको लिंक लगा रहा हूँ। ये वो पिटबुल है जिसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ और ये मेरे दोस्त और मेरे नेबर सुल्तान भाई भी इस शो में आए हुए हैं। तो सुल्तान भाई, किसी को लाएं और किसी और को भी लाएं। सर, मैं इसके साथ एक इसका और भाई लाया हूँ, रॉकी। हाँ, हाँ, उसका छोटा भाई है। हाँ, वो हमारी वीडियो में भी नहीं था ना, उस पुरानी वाली में। उस वीडियो में भी नहीं था और वो इससे ज़रा ज़्यादा हैवी है। वो हैवी है, मगर इस टाइम पे हमने असल में वीक किए हुए थे। हाँ, असल में टाइम नहीं दे पा रहे थे पपीज में भी। अच्छा, तो अभी मैं आपको रॉकी दिखाता हूँ, वेट करें जी। इसका नाम रॉकी है और ये पिटबुल टेरियर ब्रीड है और ये तकरीबन 2 साल का होने वाला है और ये तकरीबन 2 साल से हमारे पास है। अच्छा, ये जो है ये एडी का भाई है, छोटा भाई है और दिखने में ज़रा एडी से चौड़ा है और ये उनके ओनर हैं शारून भाई। ये सुल्तान भाई से इन्होंने ये लिया था और आज तक ये मिलते रहते हैं आपस में। तो ये रॉकी है भाई, ये दोनों भाई हैं, ये रॉकी है, ये एडी है और ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। ये शारून के पास है, ये सुल्तान के पास है। दोनों ज़रा वैसे तो भाई हैं लेकिन इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं। तो ये आपके सामने। मेरे साथ शिराज जावेद साहब मौजूद हैं और ये इन दोनों शिट्ज़ूस को हैंडल करते हैं। और बहुत बहुत मुबारक हो, आपके दोनों जो डॉग्स हैं वो शो विनर्स आज के हो गए। थैंक यू। तो आज बेसिकली जो हमारी वीडियो का जो मकसद है, तो हम आपसे बेसिकली वो सवाल पूछेंगे जो कि न्यू डॉग ओनर्स जो लोग प्लान कर रहे हैं अपना फ़र्स्ट डॉग, शिट ज़ू या कोई भी टॉय डॉग ब्रीड, आपके जो जवाब होंगे वो उन लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे जी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि इन डॉग्स के बारे में बात करें कि इन डॉग्स के नॉर्मल हैंडलिंग के चैलेंजेस क्या क्या हैं? इनके चैलेंजेस इतने होते नहीं हैं सर, बेसिकली लोग समझते हैं। मैं जो चीज़ समझता हूँ, सोचता हूँ, आपको कोई भी डॉग रखने के लिए ना, उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप डॉग रखें, अगर टाइम नहीं है तो आप डॉग बिल्कुल ना रखें। क्योंकि इनको रखा जाता है एकदम अपने बच्चों की तरह, जैसे हम ट्रीट करते हैं ना कोई भी डॉग हो, ये ब्रीड हो चाहे बड़ी ब्रीड हो, हम अपने बच्चों को जैसे टाइम देते हैं उसी तरह हमें इनको टाइम देना चाहिए। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये क्योंकि टॉय ब्रीड साइज़ के डॉग हैं, छोटे डॉग्स हैं, इनकी जो आपकी जो कॉस्ट है, फूड कॉस्ट, वो क्या है? क्योंकि ये टॉय ब्रीड हैं, छोटे डॉग्स हैं, इनकी यकीनन जो बड़े डॉग्स हैं उनसे कमी है, तो आपकी एस्टिमेटेड मंथली जो कॉस्ट है फूड के ऊपर वो क्या लगती है? सर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया मेरे साथ, क्योंकि ज़्यादातर लोग होते हैं डॉग ले लेते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि हम रोटी डाल दें, दूध डाल दें, लस्सी पिला दें, ठीक है। लेकिन बेसिक चीज़ है, इनके बनाए जाते हैं डॉग फूड आता है इनका, प्लस चिकन चावल होता है, ठीक है। हम इनको वो देते हैं, डॉग फूड भी देते हैं। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या आती है? तकरीबन मंथली जो है ना, मेरे इन दो डॉग्स जो हैं तकरीबन कोई 3,000 रुपये आ जाता होगा मंथली। अच्छा, अब मेरा तीसरा सवाल जो है वो शिराज भाई से, वो ये है, आपके इन दो डॉग्स की क्या ऐसी मुनफरद हैबिट है जो आपको पसंद नहीं है? अच्छा, इनकी जो पर्सनली जितनी हैबिट्स हैं मुझे अच्छी तो लगती हैं सबकी सब, लेकिन एक हैबिट जो है ना मुझे अच्छी ये नहीं लगती, जब मैं ऑफिस जाऊँ और ये मेरी गोद में घुस जाए, इसके बाहर मेरे कपड़ों पे लग जाते हैं, जस्ट ये हैबिट है। हाँ, देखिए, हर डॉग ओनर के और हर डॉग के अपनी बिहेवियर के प्रॉब्लम्स होते हैं या बिहेवियर के या आदतें होती हैं, तो वो हर कोई अपने हिसाब से उनके लिए पसंद करता है या ना पसंद करता है। शिराज भाई, जाने से पहले आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो भी कोई अगर न्यू डॉग ओनर है, आपकी उसके लिए वन लाइनर क्या एडवाइस है? जी, उनको डॉग से प्यार होना चाहिए और उनके पास टाइम होना चाहिए कि वो अपने डॉग को टाइम दे सकें।
जो ब्रीडर्स होते हैं वो कहते हैं पिक ऑफ द लिटर, मैं कहता हूँ पिक ऑफ द डे। ये वाइट जर्मन शेफर्ड है, इरफान साहब इसके ओनर हैं। इरफान साहब थोड़ा सा इस बहुत रेयर जो म्यूटेशन है हमारे पास जर्मन शेफर्ड्स की, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहली बात कि कराची में सब एक ही ये मेल है मेरे पास और इसका नाम ऑस्कर है। 3 ईयर्स इसकी एज है और ये इम्पोर्ट है पोलैंड से। अभी ये लास्ट जितने भी शोज हुए हैं सबका ये विनर है, चैम्पियन डॉग है, कराची चैम्पियन है ये। और इसके कंपटीशन में अभी तक यहाँ कराची में कोई भी डॉग नहीं है। गुड बॉय, गुड बॉय। यार ये है जी फ्रेंच मैस्टिफ और इसका मैं ओनर रिव्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत ही ऑसम डॉग है, बहुत ही ब्यूटीफुल डॉग है। अच्छा जी, मेरे साथ हैं दाऊद और उनका ये बहुत शो क्लास ऑसम किस्म का जो है फ्रेंच मैस्टिफ है। तो एक मैंने आपको दिखा दिया कि एक टॉय ब्रीड और टॉय ओनर से मैंने आपको एक रिव्यू करवा दिया। अब मैं बेसिकली आपको दाऊद हमें बताएंगे ये एक लार्ज मैस्टिफ ब्रीड है, इसके बारे में उनसे पूछते हैं। तो क्वेश्चंस मेरे वही हैं चार और वो बेसिकली आपको इनेबल करेंगे अपना डिसीजन लेने में कि आपको अपना पहला डॉग लेना चाहिए या नहीं। अच्छा मुझे दाऊद ये बताएं कि आपके क्या बेसिक प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस फॉर कीपिंग दिस डॉग, आपके जो भी चैलेंजेस हैं आपको बताएं। इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें जान बहुत ज़्यादा है, तो वॉक के लिए मैं इसे नहीं लेके जा सकता, वरना या तो मेरे हाथ चले जाएंगे या फिर मैं ज़मीन पे रो रहूँगा। ऑफ कोर्स मैसिव है, आई कैन फील द पेन, मेरे पास भी केन कोर्सो है और जब ये खींचता है अगर बचपन में सही तरह से ट्रेन नहीं किया हो, लीश ट्रेन नहीं किया हो तो आई कैन अंडरस्टैंड, रिलेट करके ले जाते हैं। अच्छा नंबर टू क्वेश्चन, आपकी इसके ऊपर जो मंथली एस्टिमेटेड कॉस्ट है फूड हो गया या हैंडलर के लिए जो फीस आप पे करते हैं वो क्या कितनी है वो आपकी कॉस्ट मंथली कॉस्ट? आई कैन रिलेट टू दैट ईजीली। 20,000 तो सिर्फ इसका फूड की कॉस्ट होती है, प्लस अगर आपके उसमें दूसरी चीज़ें भी हैं तो वो भी आपके सारे एक्सपेंसेस जो हैं उसमें एक्यूमुलेट हो जाए। अच्छा जी दाऊद, आप मुझे ये बताएं वो कौन सी एक आपके डॉग की बैड हैबिट है जो आपको पसंद नहीं है? ये बहुत वाइल्ड हो जाता है कुछ सिचुएशन में, जैसे फायर वर्कस और वगैरह वगैरह, इसमें इसकी बहुत शिट फ्रीज हो जाती है बेसिकली। इसके ये कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप को और थोड़ा सा वाइल हो जाता है, काटने शुरू हो जाता है और हर जगह भागने शुरू हो जाता है बेसिकली। अच्छा मेरा लास्ट क्वेश्चन, आपकी क्या एडवाइस है उस बंदे के लिए जो प्लान करने जा रहा है टू गेट हिज फर्स्ट डॉग? फर्स्ट डॉग पे डिपेंड करता है, अगर बड़ा डॉग है तो 100% ट्रेनर अगर होएगा तो एवरीथिंग इज गोना बी इजीियर। तो अगर टॉय डॉग है तो उसका तो मेनली खुद ही यूट्यूब वीडियो से ही हो जाता है पूरा, लेकिन अगर एक बड़ा डॉग है तो खुद संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और अगर टाइम ही नहीं दे पाओ तो इवेंचुअली हाँ आई'ड से ट्रेनर। अमेरिकन बुली तकरीबन 1.5 महीने का, बहुत ही प्यारा स्पेसिमेन है और इसके साथ एक और भी है। ओके जी, ये दोनों बहन भाई भी आए हुए हैं, कैप्टन और मिनी। कैप्टन मेल है और मिनी फीमेल है, मिनी फीमेल और कैप्टन मेल। तो ये अमेरिकन बुली के पपीज हैं जो आए हुए हैं शो में। बॉक्सर पपी है ब्रिंडल और ये 7 मंथ्स की है। मुदस्सर साहब मेरे साथ हैं। मुदस्सर साहब सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका डॉग जो है अपनी कैटेगरी में जीत गया। तो इनका ये जो स्पेसिमेन है इस वक्त हमारे सामने, ये शो विनर भी है और वैसे भी जो है बहुत आउट क्लास जो है पीस है। तो वही चार सवाल मेरे मुदस्सर साहब से होंगे जो कि मैंने दूसरे डॉग ओनर्स के साथ किए। तो मुदस्सर साहब ये बताएँ सबसे पहले कि आपके नॉर्मल डेली चैलेंजेस फॉर कीपिंग दिस डॉग, क्या आपके चैलेंजेस क्या क्या? इसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है, ही नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम, ही नीड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, इसको अटेंशन देनी पड़ती है, ही नीड्स डेली ब्रशिंग, ही नीड्स टू लुक आफ्टर हिज डाइट एवरी डे, ये इसके डेली चैलेंजेस हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट मंथली आपकी क्या आती है? अप्रोक्सीमेटली द कॉस्ट इज अबाउट 10,000 to 15,000। ठीक है, वी कैन रिलेट दैट।
प्लस क्योंकि ये जो है मिड साइज़ ब्रीड है, एक आपको मैंने दिखाई थी कि वो मैस्टिफ साइज़ की ब्रीड थी, ऑफ कोर्स उनका फूड उसी हिसाब से होता है, जो मीडियम साइज डॉग्स हैं उनका फूड की कंजम्पशन उसी हिसाब से होती है। अच्छा, एक ऐसी चीज़ अपने डॉग की जो आपको पसंद ना हो, कोई बुरी आदत या कोई बुरी, या जब भी कोई नए बंदे को ये देखता है सो ही गेट रियली एक्साइटेड, जिसकी वजह से ही स्टार्ट हम्पिंग एंड जंपिंग लाइक दैट। बट ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, हर जो डॉग कैटेगरी है उसका अपना एक बिहेवियर होता है और इनका ये नीड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, अटेंशन चाहिए। अच्छा, वन पीस ऑफ एडवाइस जो लोग अपना फर्स्ट डॉग लेना चाह रहे हैं उनके लिए। भाई देखिए, जो भी डॉग लेना चाह रहा है, द पीस ऑफ एडवाइस इज दैट कि आप अगर डॉग ले रहे हो तो आप इसका ख्याल रखो, आप इससे प्यार करो, कीप हिम लाइक योर फैमिली। आप लेके इसको बाहर छोड़ दोगे और आप बोलोगे कि ये मेरे साथ सही बिहेव करे, दैट्स नॉट गोना वर्क। तो पीस ऑफ एडवाइस इज दैट अगर आप ले रहे हो तो आप इसकी टेक केयर करो, आप इससे प्यार करो जैसा आप अपने घर वालों से करो। अच्छा जी, जाने लगे हैं हम आज के इस डॉग शो से और मैं ज़रूर आ चाहूँगा कि आप मिलें अब्दुल कादिर भाई से, जो डॉग ट्रेनर K9, इनकी अपनी कंपनी भी है और इस शो की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के ये मेंबर भी हैं। तो बेसिकली अब्दुल कादिर भाई जो हैं वो इस वक्त, अगर पूरा पाकिस्तान कहना शायद गलत भी हो जाए, कराची के वन ऑफ द फाइनेस्ट डॉग ट्रेनर हैं और इनकी पूरी टीम है जो कि बहुत अच्छे तरीके से गार्ड ट्रेनिंग, प्रोटेक्टिव ट्रेनिंग आपके डॉग्स ही कर सकती है। तो कादिर भाई, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया आज के शो में। मैं चाहूँगा इससे पहले कि हम आज इसका इख्तिताम करें वीडियो का, अगर कोई बंदा डॉग लेना चाह रहा है तो आप वन लाइन में उसको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे या गाइडेंस देना चाहेंगे? देखें, वो बंदा तो खुद को इंटरेस्टेड है, लिहाजा ये कि उसके घर वाले इंटरेस्टेड है या नहीं है। सबसे पहले अपने घर वालों को माना है, अगर वो मान जाए तो फिर वो अपना डॉग ले ले, नहीं तो नहीं ले। क्योंकि लोग पपीज़ ले लेते हैं, दो महीने बाद घर वाले उसे तंग करते हैं तो वो उठा के सेल कर देते हैं। पपीज़ जब लेते तब भी उससे नहीं पूछते, जब उसको अपने घर से निकालते तब भी नहीं पूछते। लिहाजा ये कि अपने घर वालों को राज़ी करें, फिर आप जो है ना डॉग परचेज़ करें। शुक्रिया। तो ये हुआ आज का हमारा डॉग शो और आपको मैंने डिफरेंट डॉग ओनर से मिलवाया, कुछ यूनिक डॉग्स दिखाए, अब्दुल कादिर से मिलाया जो कि कराची के इस वक्त बेस्ट डॉग ट्रेनर्स हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था, कंक्लूड इस पे करूँगा कि आपको क्या वो चीज़ें हैं जिनको आपने कंसिडर करना है इससे पहले कि आप अपना पहला डॉग लें या डॉग लें। तो बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।